أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم محترم ناظرين وسامعين viewers and listeners السلام عليكم ورحمة الله وبركاته प्रोग्राम कुरान सुनिए और सुनाइए के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन व सामईन, हमें बहैसियत मुस्लिम ये समझना होगा कि कुरान करीम और अहादीस करीमा यानी अल्लाह ताला और उसके प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करने में हमारा ही फ़ायदा है और अहकामात को छोड़ने में हमारा ही नुकसान है। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी मशरूबात और ग़िज़ाओं के मामलात में जो चीज़ें हम पर हलाल फरमाई हैं, जायज़ फरमाई हैं, तो देखा जाए तो उसमें हमारी आखरत का फ़ायदा भी है और ख़ास तौर पर दुनिया का फ़ायदा और बिलखसूस हमारी सेहत के हवाले से वो नफ़ा बख्श हैं। और जिन चीज़ों से हमें मना फरमाया ना, तो नाज़रीन व सामईन, वो चीज़ें हमारी सेहत के हवाले से भी सही नहीं हैं। सेहत भी तबाह बर्बाद होती है, दुनिया भी बर्बाद होती है और आखिरत भी बर्बाद होती है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पर शराब हराम है, ठीक है, इसमें कोई दूसरा कलाम ही नहीं है। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे गुनाहों की जड़ फरमाया। नाज़रीन, यहाँ पर देखा गया है कि जिन ममालिक में ये चीज़ें आम हैं तो वो पीकर निकल आते हैं और अजीब व गरीब हरकतें करते हैं और फिर किसी रिश्तों के हवाले से किसी को पहचानने से भी कासिर होते हैं, तो फिर नाज़रीन वो कर बैठते हैं कि अल अमान वल हफीज़। तो हमारी सेहत के हवाले और फिर सेहत के हवाले से भी मतलब किस तरह वो मुज़िर है, आपको पता है कि कितनी बीमारियां लग जाती हैं, ठीक है ना। अखलाकी एतबार से भी वो चीज़ें हमारे लिए सही नहीं हैं। अब एक बात और भी करूँगा मैं, मिसाल के तौर पर नाज़रीन सूरह नूर उठाइए और इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी आयत नंबर 22 में 22 में ये बात इरशाद फरमाई कि वल याफू वल यस्फहू अला तुहिब्बूना अन यग़फिर अल्लाहु लकुम। कितनी पहली बात इरशाद फरमाई कि अफ़ु दरगुज़र से काम लो, ठीक है ना, दूसरों को माफ़ कर दिया करो। वल याफू, चाहिए कि तुम माफ़ कर दो। वस्फहू, अफ़ु दरगुज़र से काम लो। अला तुहिब्बूना अन यग़फिर अल्लाहु लकुम, क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते कि अल्लाह ताला तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दे। जिस तरह तुम दूसरों की ख़ताओं को माफ़ करते हो ना, माफ़ करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी ख़ताएं माफ़ फरमाएगा। यानी एक छोटे से अमल पर, एक सब्र इख्तियार करने पर इतना बड़ा अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमा रहा है। और फिर हम देखते हैं कि दुनिया में जो नाज़रीन यानी सब्र इख्तियार करता है ना, अल्लाह ताला उसके साथ भी होता है। जो दूसरों को माफ़ कर देता है उसकी माशरे में इज़्ज़त भी होती है और उसका रोब भी कायम होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा करम फरमाता है उस पर और माशरे में हर कोई शख्स उससे करीब होने की कोशिश करता है कि यार ये तो बड़ा आला अखलाक का हामिल है ये, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि मेडिकल साइंस ये कहती है कि माफ़ करने से बंदे को खुशी मिलती है और इंतकामी जज्बात अगर दिल में रखें, कोई शख्स इंतकामी जज्बात दिल में रखता है ना, एनजाइटी होती है, डिप्रेशन में चला जाता है, ये मर्ज़ पैदा हो जाता है, ठीक है ना। आम तौर पर आप देखें कि जो मुंतकिम मिजाज आदमी होता है ना, तो वो आम तौर पर हमेशा डिप्रेशन में होता है। किस चीज़ से डिप्रेशन में होता है कि मैं अभी इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा ना, ये याद करेगा और पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात वो इसी बात पर रहता है, यही सोचता रहता है कि बस कब मुझे मौका मिले और मैं इसको छोड़ूँ नहीं, और इसी तरीके से वो एनजाइटी का भी शिकार हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना करम फरमाया, हमें फरमाया कि अफ़ दरगुज़र से काम लो। नबी अलैहिस्सलाम की पूरी हयात तय्यबा तो इसी पर है, अफ़ दरगुज़र, जानी दुश्मनों को माफ़ फरमाया। हाँ, जब अल्लाह का मामला आ जाए, दीन का मामला आ जाए, हमारे लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला आ जाए, वो मुख्तलिफ होता है। ये इंसानों के जो बाहमी मामलात हैं ना, उसका जिक्र हो रहा है। तो माफ़ किया करें,
अफ़ दरगुज़र से काम लें, दुनिया में भी कामयाब होंगे, आख़रत में भी कामयाबी मिलेगी। और सबसे बढ़कर यह है, यानी एक अच्छी बात यह है कि सेहत के हवाले से भी हमारे लिए बहुत मुफीद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अफ़ दरगुज़र से काम लेने की तौफीक नसीब फरमाए। चलते हैं नाज़रीन आज के सबक की जाने। हमारा जो आज का सबक है वो सूरह नहल और इसकी आयत नंबर 120 यानी आयत नंबर 120 है जो आज के सबक में हमारे शामिल है। फॉर्मेट के मुताबिक पढ़ेंगे, बावजू हो जाएं। स्क्रीन के सामने स्क्रीन पर सबक मौजूद है तो आप तशरीफ़ फरमाएं, कुरान करीम अपने पास रखें और नाज़रीन नोटबुक भी अपने पास रखा करें, कोई भी अहम बातों से नोट फरमा लिया करें। और आइए आपको लिए चलते हैं आज के इस प्रोग्राम के फ़र्स्ट सेगमेंट की जानिब। लुगतुल कुरान ये फ़र्स्ट सेगमेंट है और आइए मिलकर तआव्वुज़ तस्मिया पढ़ते हुए आज के सबक को शुरू करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين। अब यहाँ पर आप देखें हनीफ़न है। अब यहाँ पर अगर जो है वो मिलाकर पढ़ेंगे तो हनीफ़ाउँ वलम यको, क्योंकि तनवीन है उसके बाद वाव है, तो नाज़रीन मिलाकर पढ़ेंगे और वाव की आवाज़ को गुन्ने के साथ अदा करेंगे। मिलाकर पढ़ने की सूरत में यरमनून का जो कायदा वो अप्लाई होगा। और वक्फ़ करेंगे तो वक्फ़ में दो ज़बर की तनवीन अलिफ़ से चेंज हो जाती है, तो वफ़ की सूरत में हनीफ़ा पढ़ेंगे, एक अलिफ़ की मकदार खींच कर हनीफ़ा, ठीक है। और तो वफ़ मतलब कि शॉर्ट फॉर्म है जिसका माना ये कि यहाँ रुकना बेहतर है। मिनल मुशरिकीन पढ़ेंगे, वफ़ की सूरत में मिनल मुशरिकीन पढ़ा जाएगा। आखिर में अलामत वक्फ़े अंदर 120 लिखा हुआ है, आयत नंबर 120 यहाँ पर मुकम्मल हो रही है। कितने कलिमात हैं? इन्ना एक कलमा, इब्राहीमा दूसरा, काना तीसरा, उम्मतन चौथा, कौनितन पाँचवा, ली छठा, इसमें अल्लाह सातवा, हनीफ़ा आठवां, वाव नवा, लम दसवां, यकू जो है वो ग्यारहवां, और मिन तेरहवां, मिन जो है वो बारहवां, अल मुशरिकीन तेरहवां। कुल यहाँ पर 13 कलिमात मौजूद हैं। हर कलमे को अलैदा फिर मिलाकर पढ़ते हैं, बग़ौर मुलाहिज़ा फरमाएं। इन इब्राहीम, अच्छा इब्राहीम में अब्बास साकिन है, नाज़रीन ये साकिन तो है लेकिन यहाँ जो है वो कलकला होगा, यानी आवाज़ लौटती भी महसूस होनी चाहिए। इब्राहीम नहीं, इब्राहीम, रॉ पर खड़ा ज़बर है, इसे एक अलिफ़ की मकदार खींच कर पढ़ेंगे और पुर करके पढ़ा जाएगा। इब्राहीम कैना उम्मतन, ता पर दो ज़बर की तरमीम, इसके बाद कौफ आ रहा है, हरफ इख्फा है, तो यहाँ तरमीम पर भी इख्फा करेंगे। इख्फा कहते हैं नाक में आवाज़ ले जाकर गुनगुनाना। उम्मतन क़ानितन ली अल्लाही, क़ानितन में ता पर दो ज़बर की तरमीम है, इसे लिल्लाही के लाम के साथ मिलाएंगे और लाम की आवाज़ को अदा किया जाएगा। यरमलून का जो कायदा है वो अप्लाई होगा। क़ानितन लिल्लाही नहीं, क़ानितल लिल्लाही, अच्छा लिल्लाही में लाम के नीचे ज़ेर, इसे इसमें अल्लाह की हरफ़ लाम के साथ मिलाएंगे। दरमियान में से अलिफ़ यानी हमज़ा को हज़्फ़ किया जाएगा और इसमें अल्लाह की हरफ़ लाम से पहले वाले हरफ़ के नीचे ज़ेर हो तो बारीक पढ़ते हैं, ज़बर या पेश हो तो पुर करके पढ़ते हैं, यहाँ बारीक करके पढ़ा जाएगा। क़ानितल लिल्लाही हनीफ़न, यहाँ वक्फ़ करेंगे, रुकेंगे तो हनीफ़ा पढ़ेंगे। वलम यकु, वलम यकु मिन अलमुशरिकीना, मिलाकर पढ़ने की सूरत में मिन मिनून पर ज़बर होगा, अलमुशरिकीना के लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, दरमियान में से अलिफ़नी हमज़ा को हज़फ़ किया जाएगा। और मुशरिकीना में रॉ के नीचे ज़ेर है, रॉ पर ज़बर या पेश हो या खड़ा ज़बर या उल्टा पेश हो, इन तमाम सूरतों में रॉ को पुर पढ़ते हैं, ज़ेर हो या खड़ी ज़ेर हो तो बारीक करके पढ़ा जाएगा। मीनल मुशरिकीना वलम यकु मीनल मुशरिकीना, यहाँ वक्फ करेंगे तो हम पढ़ेंगे वलम यकु मीनल मुशरिकीन। आइए नाज़रीन चलते हैं कलिमात की लुगत और ग्रामर के एतबार से
तहकीक और तर्जमे की जानिब। सबसे पहले जो आज का सबक है वो लिखेंगे, फिर उसमें जो कलिमात हैं अस्मा अफ़ाल हरूफ़ उनकी निशानदेही भी की जाएगी, तहकीक व तर्जमा भी अर्ज़ करेंगे कुरान और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर आप कुरान में पढ़ते हैं उर्दू में भी यूज़ किए जाते हैं तो उनकी भी निशानदेही की जाएगी। तो आइए नाज़रीन हम आज का सबक यहाँ लिखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना इब्राहीम كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكو من ال مشركين यह आज का सबक है नाज़रीन, आयत नंबर 120 सूरह नहल। तो यहाँ पर हम सबक लिख चुके हैं आज की आयत करीमा, और अब सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला इस्म है इब्राहीमा, दूसरा है उम्मतन, तीसरा है कानितन, तीसरा है कौनितन, चौथा इसमें अल्लाह, पांचवा हनीफा, छठा अलमुशरिकीन। तो छः अस्मा हैं। नंबर एक इब्राहीम, और नंबर दो उम्मतन, नंबर तीन कौनितन, नंबर चार इसमें अल्लाह, नंबर पांच हनीफा। और नंबर छः अल मुशरिकीन। नाज़रीन ये छः अस्मा हैं, और अब हम चलते हैं अफ़ाल की जानिब। तो पहला फ़ेल है काना और दूसरा फ़ेल है यकू, दोनों का मादा एक ही है लेकिन सीगे में फ़र्क है, यानी ज़माने में फ़र्क है। नंबर एक काना, नंबर दो ये असल में था यकुन, इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि यकू कैसे हुआ है।
इंशाल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमें जाना होगा ब्रेक की जानिब, कहीं जाइएगा मत, मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामईन, चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। और यहाँ पर हम आप देखें कि हम अफ़ाल भी लिख चुके हैं और अब आपको ले चलेंगे हरूफ की जानिब। तो पहला हरफ है इन्ना और दूसरा जो हरफ है वो है ली, तीसरा वाव, चौथा लम और पांचवा मिन। पहला इन्ना, और दूसरा है ली, तीसरा है वाव, चौथा है लम पांचवा है मिन। नाज़िन छः अस्मा, दो अफ़ाल, छः और दो आठ और पांच जो है वो हरूफ हैं, तो कुल मिलाकर 13 कलिमात हुए, कुल मिलाकर 13 कलिमात हैं। तो आइए सबसे पहले नाज़िन हम चलते हैं अस्मा की जानिब। तो पहला इस्म है इब्राहीमा और ये हज़रत इब्राहीम जो अल्लाह ताला के खलील हैं उनका नाम नामी है इब्राहीम, और ये हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के जद्द अमजद हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम नाज़िन जिन्होंने खाने काबा की तामीर फरमाई और उसके बाद हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद की दुआ भी फरमाई कि रब्बना वबाथ फीहिम रसूला, ये वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। और इस नाम की अगर हम गहराई में जाएं, थोड़ा पस मंज़र में जाएं, तो ये भी कहा जाता है कि ये असल में था अबू रहीम। अबू रहीम का माना है रहम करने वाला, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला, जैसे अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु, तो हुरैरा का माना है बिल्ली, आप बिल्लियाँ पालते थे तो अबू हुरैरा के नाम से मशहूर हो गए, कुनियत से मशहूर हो गए। तो इसी तरीके से आप चूँकि बहुत ज़्यादा रहम फरमाने वाले थे, बहुत ज़्यादा हलीम तबीयत थे, तो इसीलिए आपको अबू रहीम और फिर होते होते ये नाम इब्राहीम हो गया। तो बहरहाल हमारे यहाँ बच्चों के भी नाम रखे जाते हैं, बड़ा प्यारा नाम है, रखना चाहिए। इसके बाद अगला इस्म है उम्मत, उम्मत का माना उम्मत है और यहाँ पर उम्मत का माना है इमाम, यहाँ पर उम्मत का माना है इमाम। और उम्मत आमतौर पर हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, उममुन इसकी जमा है, उम्मत एक उम्मत, उमम बहुत सी उम्मतें, कुरान करीम में दोनों यूज़ हैं। कुंतुम खैरा उम्मतिन फी उममिन मिन कब्लिका, तो उम्मत और उमम दोनों के दोनों यूज़ हुए हैं। अच्छा, इसके बाद अगला इस्म है कानितन, कानितन किसे कहते हैं, कानितन ये फ़ाइलन के वज़न पर है और इसमें फ़ाइल का सीगा है, इसमें फ़ाइल वो इस्म जिसमें फ़ाइलियत वाला माना पाया जाए, तर्जमे के आखिर में अगर वाला वाले वाली हो तो ये आम तौर पर इसमें फ़ाइल का माना होता है। तो कानितन झुकने वाला, फर्मा बरदारी करने वाला, ठीक है ना, इसका माना ये होगा, फर्मा बरदार भी कह सकते हैं, फर्मा बरदारी करने वाला भी कह सकते हैं। इसके बाद अगला इस्म है इस्मे अल्लाह, ये अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है, अल्लाह ताला के बहुत से नाम हैं, 99 नाम तो बड़े मशहूर हैं और इन फरमाए कुरान करीम में फरमाया कि वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहु बिहा, और अल्लाह के तमाम नाम अच्छे हैं, जिस नाम के साथ चाहो उसे पुकारो। ये अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है, अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा किसी के लिए इसका इतलाक़ नहीं हो सकता। और सूफिया फरमाते हैं कि इसका एक एक हर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर दलालत करता है, और सूफिया ये भी फरमाते हैं कि ये इसमें आज़म है, जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए इसको पढ़ा जाए, जिस
जिस मकसद के लिए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बग़ैर मांगे दुआएं कबूल फरमाता है, इस मकसद को पूरा फरमाता है। और वैसे भी अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए, सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह ताला राज़ी हो जाता है। जब वो राज़ी है तो जग राज़ी है, फिर जग की परवाह नहीं है, इन दुनिया की परवाह नहीं है, वो राज़ी है तो सब राज़ी है। तो नाज़िर ये आम तौर पर हम उर्दू में इस्तेमाल भी किया करते हैं। और इसके बाद अगला इस्म है हनीफा। हनीफ ये फ़ाइल के वज़न पर है और इसका जो माना है वो है माइल बहक, यानी हक की तरफ माइल रहने वाला, हल्क हक की तरफ, सच की तरफ, हक की तरफ माइल रहने वाला, तो उसे हनीफ कहा जाता है। और आम तौर पर हमारे यहाँ ये नाज़िन बच्चों के नाम भी रखे जाते हैं, तो अच्छा नाम है, रखना चाहिए। मैं इसीलिए बताता हूँ ताकि हमें इसके साथ साथ ये भी मालूम हो जाए, कोई ऐसा इस्म आता है कि जो हमारे यहाँ नाम रखा जाए तो मैं बता देता हूँ कि ये अच्छा नाम है, और मैं ये भी बता देता हूँ कि ये नाम नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। तो हनीफ ये अच्छा नाम है माशाल्लाह। और इसके बाद है मुशरिकीन। मुशरिकीन जो है वो मुशरिक की जमा है, मुशरिक भी इसमें फ़ाइल के वज़न पर है, मुफ़इल के वज़न पर। और मुशरिक का माना है शिर्क करने वाला। मुशरिकीन और मुशरिकून दो जमा आती हैं, तो मुशरिक शिर्क करने वाला एक बंदा, और मुशरिकून और मुशरिकीन शिर्क करने वाले बहुत से लोग। मुशरिक आम तौर पर हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, मुशरिक ये उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, अब आ जाइए अफ़ाल की जानिब। तो पहला फ़ेल है काना। काना फ़ेल माजी मारूफ के वज़न पर, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, और ये फ़ेल नाकिस है। फ़ेल नाकिस वो फ़ेल होता है कि जिसमें फ़ेल की तमाम खसूसियात नहीं पाई जाती, कुछ इसम की भी खसूसियात पाई जाती हैं, इसीलिए इसको फ़ेल नाकिस कहते हैं। जैसे इसम मुब्तदा और ख़बर बनता है, तो ये भी अपने इसम और ख़बर को चाहता है, तो इसका माना वो था या वो है, इनमें से करीने के एतबार से कोई माना भी कर सकते हैं। इसके बाद है यकुन। नाज़िन ये असल में था यकूनू, असल में था यकूनु, यकूनु फ़ेल मुज़ारे मारूफ सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, और इसका माना है कि वो होता है या वो होगा। अब यहां पर लम दाखिल है, यहां पर लम दाखिल है। अच्छा, लम अगर फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल हो जाए तो नाज़िन फ़ेल मुज़ारे के अंदर कोई हरफ़ इल्लत होता है ना, जैसे वाव अलिफ या, ये हरूफ़ इल्लत कहलाते हैं, तो कोई ऐसा कुछ हो जाए तो नाज़िन ये अक्सर औकात हज़फ़ हो जाते हैं। तो लम जब फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल हो जाए तो ये हरफ़ इल्लत अगर कोई हो तो उसको गिरा दिया जाता है। तो यूँ समझ लें कि अब ये वाव हज़फ़ हुआ, तो अब ये बाकी बचा यकुन, यकून यानी यकुनू, ठीक है। दूसरा काम ये होता है कि लम फ़ेल मुज़ारे के आखिर को जज़म देता है, ठीक है। तो जब आखिर को हमने जज़म दिया तो क्या हो गया, लम यकुन, क्या हो गया, लम यकुन। और तीसरा ये है, माना में तब्दीली ये होती है कि लम जब फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होता है तो फ़ेल मुज़ारे को मुज़ारे के माना में रहने नहीं देता, बल्कि उसे माजी मनफी के माना में कर देता है। तो लम यकुन का माना क्या होगा, लम यकुन कि वो नहीं था, वो नहीं थे या वो नहीं था। अब आइए नाज़िन चलते हैं हरूफ की जानिब। इन्ना हरफ तहकीक है, जुमला इसमें पर दाखिल होता है, कलाम को मुहक्कक करता है, तहकीक पैदा करता है, इसका माना बेशक या तहकीक, इनमें से करीने के एतबार से कोई माना भी कर सकते हैं। और अन्ना का भी यही मीनिंग होता है, दोनों में डिफरेंस ये है कि इन्ना कलाम के आगाज़ में आता है और अन्ना कलाम के दरमियान में भी आ जाता है। ली इल्लत के लिए, वास्ते के लिए आता है, इसका माना के लिए, लिए वास्ते, वाव का माना, और लम का हम इस्तेमाल, उसका माना हम आपको बता चुके हैं। और मिन का माना है से, और आम तौर पर मिन व अन हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, मिन व अन। तो नाज़िर कुल आप देखें कि छः अस्मा, दो अफ़ाल, पाँच हरूफ, कुल मिलाकर तेरह कलिमात हैं। तेरह कलिमात में कुल चार कलिमात ऐसे हैं जो आम तौर पर हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। नंबर एक उम्मत और उमम, नंबर दो इसमें अव्वा, नंबर तीन मुशरिकीन में मुशरिक, नंबर चार मिन में मिनवान। आइए हरूफ को आपस में मिलाकर कलिमा, कलिमात को आपस में मिलाकर जुमला, कलाम या आयत कैसे बना करते हैं, तो आइए मुलाहज़ा फरमाइए। हमजा नून ज़ेर इन, नून ज़बर ना, इन ना, हमजा बा ज़ेर इब,
रा खड़ा जबर रा या रा अलिफ जबर रा हा या जर ही मीम जबर मा इब्राहीमा इन्ना इब्राहीमा काफ अलिफ जबर का नून जबर ना काना हमजा मीम पेश उम मीम जबर मा ता दो जबर तन उम मतन काफ अलिफ जबर का नून जर नी ता लाम दो जबर तल قانتل لام لام سے لل لام خڑا زبر لا حاضر ہی للہ قانتل للہ حا زبر حا نون یا زیر نی فا دو زبر فن حنیفن یہاں رکھیں گے تو حنیفہ پڑھیں گے واو زبر وا لام میم زبر لم یا زبر یا کاف پیش کو ولم یکو میم زیر می نون لام زبر نل میم شین پیش مش را زیر ری کاف یا زیر کی نون زبر نا من المشرکین ولم یکو من المشرکین یہاں وقف کریں گے تو من المشرکین پڑھیں گے آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم کان امتا قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ جسے نماز تراوی میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. آمنت بالله صدق الله العظيم. تلاوت مکمل ہوئی. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں چاہیے گا مت. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. چلتے ہیں چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب. ان تحقیق ابراہیم ابراہیم علیہ السلام مراد ہے. کانا تھا امتن ایک امام قانتن فرما بردار لی واسطے اس میں اللہ اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے. حنیفہ مائل بحق و اور لم یکو وہ نہ تھا من سے المشرکین مشرکوں. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. بے شک ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے اللہ کے اطاعت گزار باطل سے مجتنب اور مشرکین میں سے نہ تھے. ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. سب سے پہلے تو ناظرین یہاں پر ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کی صفات سے مشرکین کے خلاف یہاں پر قرآن کریم میں اس آیت کریمہ میں آیت نمبر 120 میں استدلال کیا گیا. اس صورت میں اللہ رب العالمین نے مشرکین کی جو بد عقیدگیاں تھیں ان کا رد فرمایا. وہ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک مانتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اور رسالت پر اعتراض کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول بنانا ہوتا تو فرشتوں میں سے کسی کو رسول بناتا اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا اس کو حلال قرار دیتے حلال کہا کرتے تھے اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مباح قرار دیا ان کو حرام کہتے تھے.
इनके इन बातिल नज़रियात का रद्द बलीग करने के बाद अल्लाह ताला अब एक और तरीक़े से अपनी तौहीद और सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत को साबित फरमा रहा है। और नाज़रीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबसे बड़े मुआहिद थे, तौहीद के अलमबरदार थे। उन्होंने तमाम लोगों को तौहीद की दावत दी, शिर्क की जड़ें काट दी। मक्के के मुशरिकीन चूंकि उन पर फ़ख्र करते थे और उनके दीन के बरहक होने के मोतरफ़ थे और ये तस्लीम करते थे कि उनकी इक्तदा करना वाजिब है, तो इन आयात में अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया कि तुम अपने आप को उनकी तरफ मंसूब करते हो, उनके बनाए हुए जो काबा मुअज़्ज़मा है उसकी तवल्लियत के दावेदार हो, तो फिर उनके तरीक़े पर अमल क्यों नहीं करते, उनके तरीक़े पर अमल करो ना। वो अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह ताला ने उनको रिसालत के लिए मुंतखब फरमाया और एक बशर और इंसान को रसूल बनाया, तो मान लो इंसानों के लिए इंसान को ही रसूल बनाया जाता है, फरिश्ते को रसूल नहीं बनाया जाता। उनकी तरफ अल्लाह ताला वही नाजिल फरमाता था, सो इसी तरह अल्लाह ताला ने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को भी रिसालत के लिए मुंतखब फरमाया, उन पर भी वही नाजिल फरमाई और उनको भी बकसरत मौजज़ात अता फरमाए। बस इन आयतों में अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ऐसी सिफात बयान फरमाई जो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम पर मुंतबिक होती हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह कि उम्मत, इन इब्राहीम काना उम्मतन, अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक इब्राहीम एक उम्मत थे। उम्मत से मुराद यहाँ पर इमाम है। अल्लामा अस्फहानी कहते हैं कि हर वो जमात जो किसी एक अमर में मुजतमे हो, किसी एक मामले में जमा हो जाए, उसको उम्मत कहते हैं। ख्वा उनका दीन एक हो या उनका ज़माना एक हो या उनकी जगह एक हो, और ख्वा वो उस चीज़ में अपने इख्तियार से जमा हो या बग़ैर इख्तियार के। मिसाल के तौर पर दीन में इख्तियार से जमा होंगे और किसी एक ज़माने के लोग या किसी एक मुल्क या शहर के लोग गैर इख्तियारी तौर पर मुजतमे होंगे क्योंकि वो एक ज़माने में या एक मुल्क में पैदा हुए। कान अन्नासु उम्मतन वाहिदा, सूरह बकरा की आयत नंबर 123, यानी फरमाया कि तमाम लोग एक सिन्फ और एक तरीक़े पर थे, यानी सब लोग कुफ्र और गुमराही में मुश्तमे थे। वलौ शाअ रब्बुका लजअलन्नास उम्मतन वाहिदा, सूरह हूद की आयत नंबर 118, अगर आपका रब चाहता तो तमाम लोगों को एक उम्मत बना देता, यानी एक चीज़ पर मुश्तमे फरमा देता। तो वद्दकरा बादा उम्मा, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 45, कि उस साकी को एक अरसे के बाद यूसुफ याद आया। नाज़रीन, उम्मत का माना है एक ज़माने के लोगों के ख़त्म होने के बाद या एक असर के लोगों के गुज़रने के बाद, और यहाँ मुराद है लंबी मुद्दत गुज़रने के बाद। इन इब्राहीम काना उम्मतन क़ानितन लिल्लाह, सूरह नहल की आयत में 120 में फरमाया कि बेशक इब्राहीम अपनी ज़ात में एक उम्मत थे, यानी वो एक ऐसे शख्स थे कि जो अल्लाह ताला की इबादत करने में एक जमात के कायम मकाम थे। पूरी उम्मत मिलकर जितनी इबादत करती वो तन्हा उतनी इबादत करते थे। इसकी तायद इस हदीस से होती है कि सईद बिन जैद बयान करते हैं कि मैंने और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जैद बिन अमर बिन नुफैल के मुतालिक पूछा। आपने फरमाया कि वो अकेला क़यामत के दिन एक उम्मत के तौर पर आएगा, यानी हज़रत जैद बिन अमर बिन नुफैल, इतनी रज़ी अल्लाह ताला ने उनकी इतनी मतलब इबादत और उनकी इतनी शान के फरमाए कि वो क़यामत के दिन एक उम्मत के तौर पर अकेले आएंगे। अब रही ये बात कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो एक उम्मत फरमाया, तो एक उम्मत जो फरमाए तो इसकी तौजीहात जो उलमाए किराम ने बयान फरमाई हैं, नाज़रीन हम इस इंशाल्लाह उसकी तरफ आएंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम का सेकंड सेगमेंट कंप्लीट हुआ, चलते हैं थर्ड और लास्ट सेगमेंट की जानिब। कुरान सब के लिए ये सेगमेंट आपका सेगमेंट है, दुनिया भर से आप हमें कॉल्स कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हैं। आपका ताल्लुक पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर, दुनिया के किसी खत्ते, किसी मुल्क से, उठाइए अपने फ़ोन, डायल कीजिए नंबर्स को, ज्वाइन कीजिए हमारे इस प्रोग्राम को। देखते हैं इस वक्त लाइन पर हमारे साथ कौन है। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, हम तुम्हारे सही वाले से। जी सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरा ऊंची आवाज में सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा
ولم يقوم المشركين. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. جی کہاں سے؟ کہاں سے میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ میرے خیال سے لائن ڈسکنیکٹ ہوئی ہے. تو چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب, دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ٹیلی ویژن کی آواز کو خاص طور پر جب ہمیں جوائن کرتے ہیں نا, تو ٹیلی ویژن کی آواز کو آپ آف کر دیا کریں, میوٹ کر دیا کریں, کیونکہ آپ کی آواز پھر ڈبل ہو کر آتی ہے, سمجھ نہیں آتی. اور دوسرا یہ کہ جب ہمیں جوائن کریں تو توجہ ادھر رکھیں, توجہ کدھر اور نہ ہو, کہ بعض اوقات جوائن کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ بھائی فون سیٹ کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے, تو ٹائم یعنی وقت ضائع ہوتا ہے. تو اسی لیے ٹیلی ویژن کی آواز کو میوٹ کر دیں اور توجہ کے ساتھ ادھر جو ہے وہ آپ یعنی متوجہ رہیں. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمت اللہ. جی کہاں سے؟ شاہی باغ سے. سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا فلم یکو من المشرکین. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں ناظرین اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت اللہ. جی وعلیکم السلام و رحمت اللہ. سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا فلم یکو من المشرکین. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. کہاں سے؟ تاندنے والا سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. جزاک اللہ خیر. چلتے ناظرین اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی ابھی استانبول والا سے. جی بیٹا سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی کہاں سے؟ السلام علیکم. میرے خیال میں لائن ڈسکنیکٹ ہو چکی ہے. ناظرین مسامعین اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو وقت ہے اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. اور اس پروگرام کو آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے جو ہے وہ 4 بجے سے پہر آپ دیکھا کرتے ہیں, اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arykutv.tv آپ اس پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ہمارا فیس بک پیج ہو یا انسٹاگرام ہو یا یوٹیوب ہو, اور خاص طور پر یوٹیوب پر آپ قرآن سنیے اور سنائیے کہ جو بھی سیگمنٹ بلکہ جو بھی ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیٹ کے ساتھ تاریخ کے ساتھ آپ اس کو سرچ کریں نام کے ساتھ, تو انشاءاللہ آپ مستفیض ہوں گے. صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ ناظرین کل سیم ٹائم پھر آپ کی خدمت میں اسی پروگرام میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کہ میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.